वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। मैं प्रशासन मेरे कान पे कह के गया, अगर ज्यादा करेगा तो मेरा एनकाउंटर कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से जनता को लुभाने के लिए जुटे हुए हैं। वादों की लॉलीपॉप के जरिए जनता को अपने पाले में लाने के लिए खूब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच रोजाना ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनमें लोग पर चुनाव का रंग ऐसा दिखता है जिससे माहौल भी खराब करने की कोशिश की जाती है। पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ मारपीट के कई वीडियो सामने आए हैं। इस बीच अब अमरोहा में प्रत्याशी और उनके समर्थकों का पुलिस से भिड़ंत का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नावेद अयाज ने विपक्षी दलों पर हमला बोला है। नावेद अयाज का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है। साथ ही प्रशासन पर भी समर्थकों के खिलाफ बिना वजह हमला कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर की धमकी तक दी है। क्या 100-200 लोग उनके चुनाव कार्यालय में नहीं बैठे? भाजपा के चुनाव कार्यालय में नहीं बैठे? मेरे चुनाव कार्यालय में ये कह रहे हैं कि भीड़ ज्यादा थी, और भीड़ ज्यादा थी तो लाठी चार्ज करेंगे। प्रशासन से मैंने बात की, प्रशासन मुझसे कह रहा है कि हम जो है तेरा दफ्तर नहीं चलने देंगे, इकट्ठी तेरी अकड़ निकालेंगे। मैं प्रशासन मेरे कान में कह के गया, अगर ज्यादा करेगा तो हम तेरा एनकाउंटर कर देंगे। पता ये संविधान में एक चुनाव लड़ रहा हूँ, बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। बसपा प्रत्याशी के खिलाफ पुलिस को सूचना दी गई कि वो प्रशासनिक इजाजत के बिना कोतवाली थाना क्षेत्र के बिजनौर रोड पर स्थित अपने कार्यालय पर चुनावी सभा का आयोजन कर रहे हैं। चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी सभा का आयोजन भाजपा प्रत्याशी नावेद अयाज की तरफ से किया गया, ये कहना है अमरोहा पुलिस अधिकारी का। आज समय सीमा समाप्त होने के उपरांत 8 बजे के बाद भी एक प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, और वहां कुछ इस प्रकार की बात आई है सामने कि उनके द्वारा अचानक पुलिस को देख करके भागे हैं लोग, और उसमें कुछ लोगों को शायद गिरने से या उससे चोट आई है, ऐसी बात उनके द्वारा बताई गई है। इस बात की संपूर्ण जांच कराई जा रही है। पुलिस की ओर से बताया गया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, तथा अन्य कुछ बातें पुलिस के द्वारा बताई, जिसके संबंध में अभी पंजीकृत कराया जा रहा है। कल से विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान होना है। राज्य में गर्मा गर्मी काफी है, और इस बीच ऐसी खबरें सामने आने से सियासी पारा बेहद बढ़ जाता है। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को सूबे में किसका सिक्का चलता है और किसका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाता है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।